हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेहतर नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए पास में बनी बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज रीट परीक्षा भर्ती 2017 में जो पेपर हुआ था उससे संबंधित शिक्षण विधियों के 15 प्रश्न लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। इससे पहले दो वीडियो अपलोड कर दिए हैं, जो हिंदी भाषा प्रथम के रूप में आती है उसके 15 प्रश्न दिए थे, और हिंदी भाषा जो सेकंड पेपर के रूप में सम्मिलित है उसके भी 15 प्रश्न अपलोड कर दिए हैं। अब उन्हीं में से 15 प्रश्न जो शिक्षण विधियों के हैं वो लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। प्रत्येक आने वाले वीडियो को प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करने के बाद में पास में बनी बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो शुरू करते हैं आज के 15 प्रश्न जो शिक्षण विधियों से संबंधित है। इसमें प्रश्न जो 31वां है यह है, उद्बोधन विधि का उपभेद नहीं है, अर्थात इसमें से एक है वो इसका भेद नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4, अनुवाद है वो इसका भेद नहीं है, अर्थात दृश्य विधान है, कहानी है, अभिनय है, लेकिन अनुवाद इसका नहीं है। अगला प्रश्न है, व्याकरण शिक्षा स्वतंत्र रूप से किस विधि में नहीं दी जाती है। ये जो नहीं है इसको हमें हाईलाइट कर लेना या अंडरलाइन करके इसका थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना है जब पेपर सॉल्व करते हैं तब। तो नहीं दी है अर्थात व्याकरण शिक्षण स्वतंत्र रूप से किस विधि में नहीं दी जाती है, तो इन तीन विधियों में दिया जाता है और इसका सही उत्तर होगा भाषा संसर्ग विधि। इस विधि में व्याकरण शिक्षा की स्वतंत्र रूप से शिक्षा है वो नहीं दी जाती है। अगला प्रश्न है, B.S. ब्लूम ने शिक्षा में कौन सा नवीन आयाम किया है। इसका सही उत्तर है मूल्यांकन उपागम, B.S. ब्लूम। चलिए अगला है, विश्लेषणात्मक विधि में प्रयोग होता है। विश्लेषणात्मक विधि होती है एक, और दूसरी विधि होती है संश्लेषणात्मक विधि। तो इसमें शब्द से वर्ण का प्रयोग होता है। इसका सही उत्तर होगा शब्द से वर्ण, जो आगमन से निगमन विधि के तहत दिया जाता है, अर्थात उदाहरण से नियम की तरफ। चलिए अगला प्रश्न है, 31 का मानक रूप बताना है, अर्थात जो 31 लिखा हुआ है इसका मानक रूप बताना है, जिसका सही रूप होता है 31, जो इन किसी भी विकल्प में सही नहीं है, इसलिए बोर्ड ने इसके ऊपर बोनस दे दिया था, सबको इसमें समान अंक दे दिया था, तो इसमें बोनस मिला है। वर्तनी की विधिवत शिक्षा का ज्ञान किस स्तर पर हो जाना चाहिए। इसका सही उत्तर है प्राथमिक स्तर पर, बच्चे को वर्तनी की विधिवत शिक्षा का ज्ञान प्राथमिक स्तर अर्थात फर्स्ट से 5वीं तक की जो क्लास होती है उसमें बच्चे को वर्तनी की विधिवत शिक्षा का ज्ञान हो जाना चाहिए। उच्च प्राथमिक जो 6 से 8 तक होती है, या 1 से 8 तक जिसको कह सकते हैं हम, और माध्यमिक स्तर जो 10वीं तक होती है, और उच्च माध्यमिक 12वीं तक होता है। अगला प्रश्न है, भाषिक सामग्री है। इसका सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, शब्दावली। अगला प्रश्न है, बुलेटिन बोर्ड है। तो बुलेटिन बोर्ड एक दृश्य सामग्री है, तो दृश्य श्रव्य इन सामग्रियों से संबंधित भी एक प्रश्न आया हुआ है, तो ये दृश्य सामग्री है। अगला प्रश्न है, अधिक विश्वसनीय परीक्षण है। तो अधिक विश्वसनीय परीक्षण है वो परमापिकृत परीक्षण है। अगला प्रश्न है, CCE में व्यापकता का आशय निम्नांकित से नहीं है, अर्थात इस नहीं को अंडरलाइन करना है। इसका सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, विकल्प नंबर 4, अर्थात प्रश्नों की व्यापकता इसका सही उत्तर नहीं है, और CCE में विषयों की व्यापकता होती है, दायरे की व्यापकता होती है, तथा उपकरणों की व्यापकता होती है, प्रश्नों की व्यापकता नहीं होती है। अगला प्रश्न है,
एक बालक जरूरत से ज्यादा अपने आप को असमर्थ समझ रहा है। वह हीन भावना ग्रंथि से पीड़ित है और आत्मविश्वास खो बैठा है। एक शिक्षक के नाते आप उसका उपचार कैसे करेंगे? तो इसका सही उत्तर है सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार से, अर्थात बच्चे में विश्वास, बच्चे के प्रति विश्वास जगाएंगे और उसको विश्वास में लेकर के प्रेम से सहानुभूति से उसमें उस व्यवहार को सुधार करेंगे। अगला प्रश्न है वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो इसमें सही उत्तर है मिलान वाला प्रश्न। इन विकल्पों के आधार पर मिलान प्रश्न है वो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रेणी में आता है। जैसे एक दो तीन चार इधर दे दिया, ए वैसे इधर दे दिया, ऐसे इधर करें मिलान वाला हो गया, तो ये वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रेणी में आता है। और ये जो आलोचनात्मक प्रश्न जो होते हैं वो लिखने पड़ते हैं निबंधात्मक श्रेणी के अंदर, विश्लेषणात्मक प्रश्न भी ऐसे होते हैं, व्याख्यात्मक भी यही होते हैं, तो ये वस्तुनिष्ठ नहीं होते हैं। मौन पठन का लाभ है, मन ही मन जो अध्ययन किया जाता है उसको मौन पठन कहते हैं। तो इसमें क्या होता है स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित होती है, अर्थात स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित होती है। एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है, एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। इसका सही उत्तर है आत्मनिष्ठता। अगर आत्मनिष्ठता का भाव होगा तो दूसरे लोगों पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए इसमें वेदता होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए और व्यापकता होनी चाहिए। आत्म केंद्रित भाव वाला मूल्यांकन नहीं होना चाहिए। रचना शिक्षण का उद्देश्य है, इस पर भी बोर्ड ने बोनस दे दिया था। तो शिक्षण वीडियो में दो प्रश्नों पर बोनस दिया था और आगे आने वाले वीडियो में हिंदी भाषा जो सेकंड लैंग्वेज के रूप में थी उसकी शिक्षण वीडियो के 15 प्रश्न वो लेकर आएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इस वीडियो को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।